उनकी कोई जिम्मेदारी तो नहीं दी गई है कि आप नहीं करिएगा तो कार्रवाई होगी, या आपको भर मतलब महीने में या साल में इतना केस पकड़वाना है। वो शिक्षकों से उम्मीद करना ये तो अति स्वाभाविक बात है, इसमें क्या गलत। अगर कोई आपको शराब पीते बेचते स्टॉक रखे नज़र आता है तो उसकी सूचना दे दीजिए। तो हमने तो स्पष्ट बता दिया है कि शिक्षकों को कोई शराब पीने वालों को पकड़वाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। हमने बताया कि जैसे राज्य सरकार ने इस प्रदेश के सभी जागरूक नागरिकों से अपील की, आप लोग के माध्यम से ही बताया भी जाता है कि अगर किन्हीं को कोई शराब पीते हुए, कोई शराब बेचते हुए या कोई शराब का स्टॉक रखते हुए अगर कोई पता चलता है तो उसकी गुप्त सूचना सरकार को दें, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी और आपकी पहचान आइडेंटिटी भी गोपनीय रखी जाएगी। उस क्रम में शिक्षा विभाग ने भी अपने शिक्षकों को ये कहा कि भाई आपके यहाँ भी शिक्षा समिति होती है जिसमें समाज के जागरूक लोग रहते हैं, आप उनसे भी सरकार के इस अपील को दोहरा दीजिए, जो अगर कोई आपको शराब पीते बेचते स्टॉक रखे नज़र आता है तो उसकी सूचना दे दीजिए, आपकी पहचान गोपनीय रहेगी। तो इसमें कौन सी अप्रत्याशित बात है, उनकी कोई जिम्मेदारी तो नहीं दी गई है कि आप नहीं करिएगा तो कार्रवाई होगी, या आपको भर मतलब महीने में या साल में इतना केस पकड़वाना है। तो जो सरकार एक सामान्य जिम्मेदार नागरिक से उम्मीद करती है वो शिक्षकों से उम्मीद करना ये तो अति स्वाभाविक बात है, इसमें क्या गलत। अगर कोई आपको शराब पीते बेचते स्टॉक रखे नज़र आता है तो उसकी सूचना दे दीजिए। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।